हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज फिर से मैं आपके साथ हूं एक सीए की कहानी को लेकर के। जी हां, ये कहानियां जो इन दिनों मैं आपके पास में लेके आ रहा हूं, ये कोई बहुत महान कहानियां नहीं हैं, ये बहुत ही आम सी कहानियां हैं, लेकिन बहुत ख़ास कहानियाँ हैं जिनको जब हम सुनते हैं, जिनके बारे में जब हम जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये कहानियाँ हैं। जी हाँ, उन सारे लोगों की ज़िंदगी से जो इस वक्त में सीए कर रहे हैं या सीए कर चुके हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, कहीं हमारी बात जो है वही यहाँ पे कही जा रही है। और इन कहानियों का असल मकसद भी यही है कि वही जो बात हमारे बहुत सारे चार्टर्ड्स के दिल में है, या जो अभी सीए कर रहे हैं और जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, तो इन लोगों ने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया, किस तरह से उनका सामना किया और सीए बने, बस यही एक मकसद है इन कहानियों को शेयर करने का। तो आज की जो कहानी है वो है सीए सोनेश जैन की। उदयपुर से बिलोंग करते हैं और सीए कपल हैं। इनकी वाइफ पारुल जो हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और सोनेश जो हैं वो उदयपुर मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जिन दिनों में मैं उदयपुर पढ़ाने जाया करता था तब के मेरे स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट से काफ़ी आगे निकल करके हाँ कह सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त वाला बॉन्डिंग हमारे बीच में रहा, और इतना पुराना रिलेशन जो है एज अ स्टूडेंट, और नाउ आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर की तरह से हैं। तो उनकी कहानी मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। जी हाँ, हाँ, बहुत उनका जो स्ट्रगल रहा है, उस स्ट्रगल को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, कई सारी बार उनके साथ में डिस्कस भी किया है, और मुझे लगा कि कहीं वो स्ट्रगल या वो जो चीज़, खास करके जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीपीडी, उस वक्त सीपीडी हुआ करता था, वो आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आप सीए इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं आईपीसीसी में, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, और फिर फाइनल में आकर के आपके ब्रेक लगने शुरू होते हैं, और ब्रेक पर ब्रेक लगते हैं, उस वक्त में क्या डिप्रेशन रहता है और आप उस डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करते हैं, बस उन सब की कहानी जो है वो आज हमारे साथ में बताने वाले हैं सीए सोनेश जैन उदयपुर से। तो मैं कहूँगा कि आज इसको लास्ट तक सुनिएगा आप लोग, कि एकदम आखिरी लाइन तक जो उन्होंने बोली है वो बहुत हमारे काम आने वाली है। तो चलिए आइए सुनते हैं सोनेश जैन को। फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनेश जैन है और आज मैं आपको मेरी सीए जर्नी की एक स्टोरी शॉर्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो सीए जर्नी का मेरा सबसे एक ब्यूटीफुल मोमेंट था और जो सबसे बेस्ट थिंग थी वो ये थी, मतलब सीए बना उससे भी जो खास चीज़ थी वो था जयेश सर से मिलना। जयेश भंडारी जी सर से मिलना मेरा हुआ था एमएनसीटी पर सीपीटी क्लासेस में फर्स्ट टाइम। फिर आईपीसीसी में भी वो जोधपुर से उदयपुर पढ़ाने आते थे, तो हमारा इंटरेक्शन बढ़ता रहा। जैसे कि वो होटल में स्टे करते थे तो मैं उनको पिक करना और क्लासेस तक जाना, फिर वापस से साथ में इवनिंग को टाइम, मतलब इवनिंग टाइम में घर उनको होटल वापस ड्रॉप करना, और फिर साथ में कई बार डिनर करना। ऐसा एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा रिलेशन बनता रहा और एक बॉन्डिंग बनती रही। तो आई एम वेरी लकी इनफ टू गेट दिस, बट अगर अभी इसी को ही कंटिन्यू करने जाऊँगा तो मेरी जो जर्नी स्टोरी वो रह जाएगी। कि जयेश सर के बारे में बात करते करते तो पूरा, मतलब ये महीना या कितना भी बोलो कम पड़ जाएगा। तो मैंने मेरा सीए स्टार्ट किया था 2011 में, सीपीटी एक बार में क्लियर हो गया, फिर आईपीसीसी जो 11 महीने बाद होता है, दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो गया। उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए मैं एक बार मुंबई गया, वहाँ मुझे थोड़ा जमा नहीं ट्रैफिक और बारिश। उसके बाद मैं आया अहमदाबाद, वहाँ मैं 5-7 दिन अपने कंपनी की आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, बट वहाँ भी मुझे समझ नहीं आया, तो आई वॉज बैक टू उदयपुर। यहाँ मैंने एक लोकल सीए फॉर्म के साथ आर्टिकलशिप चालू करी और थोड़े साल भर बाद कोचिंग स्टार्ट करी। और कोचिंग मैंने करी थी हर सेपरेट जो, मतलब टीचर्स होते हैं वहाँ, और जय सर का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा कि वो स्पेशली मुझे लॉ पढ़ाने जोधपुर से उदयपुर आए, और मुझे फाइनल की लॉ उन्होंने ही पढ़ाई, क्योंकि मुझे उनसे ही पढ़नी थी, ये फाइनल था और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। अब बात आई एग्ज़ाम्स की, तो मई अटैम्प्ट ड्यू टू इलेक्शन आगे शिफ्ट हुआ था, मई 14 अटैम्प्ट हुआ था मेरा फर्स्ट, जून में एग्ज़ाम्स हुए और 8 अगस्त 2014 को रिजल्ट आया। बहुत बड़ा दिन था क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, और उस दिन रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। वहाँ से मेरा सबसे बड़ा एक डिप्रेशन चालू हुआ और सबसे बड़ा स्ट्रेस चालू हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने फेलियर को डाइजेस्ट नहीं कर पाया और मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि आगे कैसे क्या करूँगा। और ऐसा डिप्रेशन रहा कि नवंबर 14 वाला जो अटैम्प्ट था वो मैंने बिना पढ़े दिया, मतलब बहुत कम पढ़ पाया, फिर भी
बिना पढ़े देने के बाद भी एक आशा थी कि कहीं पास हो जाऊँ, तो वापस से वही रिजल्ट का दिन आया और सिंस फेल हो गया तो बहुत बुरा लगा। फैमिली वालों को भी बहुत ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनको मेन ये था कि मैं डिप्रेशन में था और वो किसी से बोलता नहीं था कुछ भी, और एकदम से टेंशन और स्ट्रेस में रहने लग गया। फिर पापा और भैया, मेरे एल्डर ब्रदर जो कि वो भी सी है, उस टाइम दुबई में जॉब था उनका, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू दुबई आ जा, वहीं जॉब कर लेते साथ में और पढ़े भी करता रहना। तो मैंने ठीक है, उस टाइम मैं डिप्रेशन में था तो ज़्यादा मैंने कुछ एनालाइज किया नहीं और मैं चला गया दुबई। तो जनवरी 2015 को मैं दुबई चला गया। अब वहाँ पर मैंने May 15 जो अटेम्प्ट किया था, तो मैं पढ़े भी करता रहा साथ में जॉब भी करता रहा, और उसके बाद वापस उदयपुर आया एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम दिया और फेल हो गया। 197 मार्क्स या 196 कुछ आया था और FM में 58 आए थे। बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर 2 मार्क्स इसमें FM में जाते तो एग्जाम्स मिल जाती या थोड़ा और ज़्यादा आ जाते, तो फर्स्ट ग्रुप क्लियर होता था। नेक्स्ट अटैम्प वापस नवंबर 15 का वो दिया, अब उसमें भी सेम रिपीट हुआ, 195-194 में अटक गया। और अगर FM में एग्जामेशन अगर आ जाती तो पिछले अटैम्प में, तो इस पूरी अटैम्प मेरा क्लियर हो जाता। तो ये सब भी बहुत दिक्कत रही थी और दिमाग में बहुत नेगेटिविटी चल रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों। अब नेक्स्ट अटैम्प था May 16 का। अब May 16 से पहले April 16 में मेरे ब्रदर की शादी फिक्स थी, तो घर में काफ़ी माहौल शादी वाला था तो डिस्टर्बेंस होता, तो मैंने ये सोचा कि अब दुबई भी एक बार जॉब छोड़ के एक बार इस पर ही पूरा कंसेंट्रेट करके मैं वापस से एग्ज़ाम फाइट करता हूँ, इसको क्लियर करना है। तो जय सर से एडवाइस ली और उनसे बात भी करी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उदयपुर जाने के बजाय एक बार में एक महीना जोधपुर आ जाऊँ और वहाँ आराम से रहकर पढ़ाई करूँ ताकि कंसेंट्रेशन हो। तो वैसे ही जैसे डिसाइड किया वैसे ही किया, मार्च में मैं आ गया था दुबई से और डायरेक्टली जोधपुर गया ताकि वहाँ पे मैं एक महीने के लिए रुका, जहाँ पे जय सर ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। और वहाँ मैंने एक अपने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करी और अप्रैल तक वहीं रहा। और इस बीच हम दोनों की बर्थडे जय सर और मेरी, तो पहली बार साथ में सेलिब्रेट करने का मौका भी मिला। और फिर एग्ज़ाम की डेट आई शादी के बाद भैया की मई में, और एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट ग्रुप मेरा क्लियर हो गया। तो बहुत ज़्यादा होप बनती थी कि भाई एक ग्रुप हुआ है तब सेकंड भी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, नेगेटिविटी खत्म हुई, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हुआ चीज़ों को लेके। और दूसरा साथ में कि एक जो एज थी उसमें कमाने की भी एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह दो कि एक एज के बाद आपको लगता है कि कुछ काम तो करना ही है, तो साथ में मैं अपनी कंसल्टेंसी भी रन करता रहा। फिर November 16 में एग्ज़ाम दिया और फेल हो गया सेकंड ग्रुप। फिर May 17 में वापस से मैंने एग्ज़ाम दिया और वापस से फेल हो गया। इस बीच अब सबसे बड़ा एक और प्रेशर आया था कि शादी का, कि घर वाले भी बोल रहे थे कि शादी के लिए लड़की वगैरह देखने के लिए, और सब चीज़ें थोड़ी अलग जा रही थी, तो वो एक प्रेशर था। तो इसी बीच पारुल जो मेरी वाइफ है तो उसके साथ रिश्ता फिक्स हुआ, बट ये डिसाइडेड था कि CA के बाद ही शादी करेंगे। और दोनों फैमिलीज ने काफ़ी सपोर्ट किया, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरा और बहुत हेल्प करी उसने। और इसके बाद फिर November 17 का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फेल हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रही, तो बहुत एक डिप्रेशन से वापस बिल्ड होता रहा, बट उसको मैंने सोचा कि ये चलो चलता रहेगा, पार्ट एंड पार्सल है, बट इसको कोप अप करते हुए हमें एग्ज़ाम को फाइट करना है और करना है और क्लियर करना है। फिर आया May 18 का एग्ज़ाम, तो उसमें वापस से मैंने मेहनत करके और जैसे अपने मन को समझा के एग्ज़ाम फाइट किया, और लकीली 20 जुलाई 2018 को रिज़ल्ट आया और मैंने सेकेंड ग्रुप भी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मैं हालांकि मैं ये सब स्टेज पर नहीं कि आपको कुछ मैसेज दे पाऊँ, बट सिंस मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया तो उसके बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो सीखा है वो सक्सेस से नहीं, वो फेलियर से सीखा। फेलियर है आपके, जब आपके पास जब फेलियर आता है तो आपको उससे लड़ना पड़ता है, आपको उससे कोप अप करना पड़ता है। मीन्स अगर मैं अपने स्ट्रेस को कोप कर लेता या अपने डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता तो शायद मैं बहुत जल्दी सीरियस बन जाता। बट इस चीज़ में मैं क्या कर रहा था कि मैं अपने स्ट्रेस की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मीन्स आप कह सकते हो कि इन्फीरियर समझ रहा था दूसरों से, और पढ़ाई में काफ़ी मतलब मेरे को दिक्कतें आ रही थी और मैंने सोच रखा था ये अपनी ही बनाई हुई चीज़ें थी। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि चीज़ें जो भी होती है, आप पास हो फेल हो उससे कोई लेना देना नहीं, बट आप अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखो, उसको अपने पे हावी मत होने दो और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करो पॉजिटिव रह के। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड होगा तो वो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा और आपको पढ़ाई और वगैरह में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अभी नवंबर एग्जाम्स होंगे क्योंकि मेरे तो कैंसिल हो गए, कुछ बच्चों को उसके भी लग रहा होगा कि क्या हुआ, वापस पढ़ना है, तो इसका का टेस्ट स्ट्रेस मत लो। आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहे, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको स्ट्रेस जो भी आ रहा है उसको आपको हटाना है, उससे ऊपर निकलना है, और डिप्रेशन और इन चीज़ों से दूर रहना है, और पॉजिटिव वे में काम करना है, तो डेफिनेटली आप सीए क्रैक करोगे, कोई इशू नहीं है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आपको डेफिनेटली मिले गई, और वे आपको दूसरे टीचर्स जैसे रही सपोर्ट के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स एंड दैट्स ऑल, बाय।